गोंदिया मुस्लिम माइनर ई ट्रस्ट रिंग रोड भवन ग्राउंड पर भव्य सामूहिक निकाह समारोह किया गया, जिसमें 21 जोड़ों का निकाह करा गया। निकाह में जरूरत की सभी सामान कमेटी द्वारा दिए गए। इस कमेटी ने 435 शादी करवाने की मिसाल कायम की है। इस कमेटी की ओर से प्रतिवर्ष होनहार मुस्लिम छात्र छात्राओं, डॉक्टर, उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सत्कार किया जाता है। इस समारोह में दावत में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य के मुस्लिम दूल्हा दुल्हन परिवार ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व सभापति घनश्याम पांताव ने पूर्व नगर अध्यक्ष कशिश जयसवाल, विधायक विनोद अग्रवाल, बंटी पंचबुदे, दीपक बोबड़े, सैयद असलम अली, साजिद खान, नवाज खान आदि का सत्कार भी किया गया। इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए मुस्लिम शादी कमेटी के सदस्यों ने अथक प्रयास किया। जिस अवस्था में अपन थे और जिस प्रकार से समाज ने एकजुटता दिखाई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर शासन की किसी निधि से हमारे लिए कोई चीज बनती है तो ये शासन का किया हुआ हम पर एहसान नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार है। आज शासन की तिजोरी में जितना पैसा है ये इस देश के सामान्य जनता के लिए है। बसंत सवाल यह होता है कि वह हम तक पहुंचेगा कैसे, और वह हम तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख कर दिया है, उस संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी मांगने पूरी करने के लिए संसद से विधानसभा में नहीं जा सकता, स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं में नहीं जा सकता, उसे लोकतंत्र के आधार पर हमें एक जनप्रतिनिधि चुन करके भेजना होता है। और सिर्फ इसी काम के लिए उन जनप्रतिनिधियों को भेजा जाता है कि समाज में क्या गैप है, या गैप कैसे भर जाएगी, कौन से समाज के तबके को ऊपर उठाना है, किनको किन चीजों की दिक्कत, इन्हीं चीजों के लिए लोकतंत्र के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, और उसी का अधिकार वह अधिकार करके हम लोग अपनी जरूरतें और हम अपने हक अधिकार कर सकते। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।